दोस्तों देखिए, SOL PG की पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पे 14 सितंबर को डिक्लेयर कर दी गई थी, जिसमें आपको एडमिशन 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आपको एडमिशन लेना था। लेकिन क्या हुआ है, ना ही तो 15 को आपका ऑप्शन आया है एक्शन के अंदर एडमिशन लेने के लिए, फ़ी पे करने के लिए, और ना ही आपका 16 सितंबर को भी आपका ऑप्शन मिला है। लेकिन क्या हुआ है, 16 सितंबर की रात को ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि फेज़ टू है, जिसमें आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, साथ ही आपको अपनी एडमिशन फ़ी पे करनी होगी। फ़ी कितनी पे करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो बात करते हैं आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कैसे करना है। इसलिए देखिए, आपको आ जाना है SOL DU की वेबसाइट पे। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको जाना है PG एडमिशन पोर्टल के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको रजिस्टर यूजर लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको अप्लाइड प्रोग्राम के अंदर आपकी डिटेल मिल जाएगी। इसमें आपका फॉर्म नंबर होगा, आपका प्रोग्राम का नेम होगा और प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन होगा। साथ में देखिए एडमिशन एक्शन का ऑप्शन शो मिलेगा। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे शो कर रहा है डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड। यानी ये क्यों शो कर रहा है, इसका रीजन ये है कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने फिल किया था, तो यहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको क्लिक करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अभी क्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन जिसका यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, यानी फी पे करने का ऑप्शन मिल रहा है, फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो अपना यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फिर आप उसकी फ़ी पे कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पे एडमिशन फ़ी का ऑप्शन मिलेगा और विड्रॉ एप्लीकेशन को, यानी एडमिशन कैंसिल कराने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्लिक करना है पे एडमिशन फ़ी के ऑप्शन पे और एडमिशन की फ़ी पे कर देनी है। फ़ी पे करते ही देखिए हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपको शो करेगा एडमिशन ग्रांटेड। साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट एक्नोलेजमेंट स्लिप। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप फाइनल एक्नोलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एडमिशन भी कैंसिल करा सकते हैं, जिसका रिफंड कितना मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हमें जो स्टूडेंट को फिलहाल शो कर रहा है, मेरे स्टूडेंट को यहाँ पे शो कर रहा है डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड। लेकिन आपका अगर ऑप्शन आ गया है तो आप अपनी फ़ी पे कर दीजिएगा। फ़ी पे करने के बाद अपने एडमिट प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा और फाइनल प्रिंट आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ी के बारे में और नेक्स्ट स्टेप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फीस की, कि आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है, किस कोर्स के लिए वो आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है। इसलिए देखिए हम SOL की वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पे हम देखिए फी स्ट्रक्चर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है PG फी स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए MCOM और MA हिंदी की फीस जो आपको पे करनी है, टोटल फीस पे करनी होती है 7,910 रुपीज, जो कि PW कैंडिडेट के लिए आपको फीस रहेगी 1978। साथ ही जो सेमेस्टर टू की आपको एग्जाम फीस देनी होती है 960 रुपीज, और PW कैंडिडेट के लिए देनी होगी 250-240 रुपीज PW कैंडिडेट को देनी होगी। बात करें यहाँ पे MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृति, जो आपको टोटल फीस है वो है 7,760 रुपये आपको पे करनी होगी। PW कैंडिडेट के लिए ये फीस रहेगी 1,738 रुपये प्लस आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फी, जो कि टोटल मिला के 1941 हो जाएगी आपकी। साथ ही बात करें सेकेंड सेमेस्टर की, आपको यहाँ पे फीस देनी होगी एग्जाम फॉर्म फीस, जो कि 810 रुपये देनी होगी। PW कैंडिडेट को 203 रुपये फीस देनी होगी। तो ये था फीस जो आपको पे करनी है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। अब आपको अगर बाय चांस आपको अपना एडमिशन कैंसिल करना होता है तो आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराने पर कितना रिफंड मिलेगा वो भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए देखिए दोस्तों, मैं जाता हूँ एडमिशन प्रोस्पेक्टस के अंदर। इसमें यहाँ पे हम जाते हैं PG प्रोस्पेक्टस के अंदर। इसमें देखिए एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि 31 पेज पे समथिंग हमारा आएगा। देखते हैं कौन से पेज पे आता है। ये देखिए जो हमारा PG के प्रोस्पेक्टस अंदर पेज नंबर 31 पे आता है, रिफंड एडमिशन एग्जामिनेशन फी प्रोसेस। मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल करा देते हैं, जब आपने फीस पे करी है उसके 15 डेज के अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो आपका जो डिडक्शन होगा वो 500 रुपये होगा। बात करते हैं अगर आप एडमिशन 15 दिन के बाद और 30 दिन से पहले कराते हैं तो आपका जो डिडक्शन होगा फीस में से वो 1,000 रुपीज होगा। अगर आप 30 दिन बाद अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इस केस में आपका कोई रिफंड वापस नहीं होगा। साथ ही बात करें रिफंड एग्जामिनेशन फीस की, अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फीस पे करी है उसका अपना रिफंड चाहते हैं, उसको कैंसिल कराते हैं किसी केस के कारण, तो आपको 200 रुपये का डिडक्शन होगा। उसके बाद ही आप अपना फीस आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म की आपको वापस मिल जाएगी। तो ये है फीस डिडक्शन। साथ में देखिए यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगा, इसके अंदर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे PG के जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे और ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे जिसपे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। अगर आप स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के
और अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है तो आपको सबमिट नहीं करना है। अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो आपको वो सरेंडर करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी को सरेंडर करना होगा। तो यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना मैंडेटरी है। तो अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अब नहीं बना है तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसको आपको अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी को सरेंडर करना है। तो दोस्तों ये है प्रोसेस कैसे आपको पीजी मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आने के बाद आपको कौन कौन से स्टेप कंप्लीट करने हैं, कैसे एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर दोस्तों अगर आपका भी डिस्क्रिपेंसी रिजेक्टेड हो गया है तो इसके लिए आपको एक अलग से लिंक मिलेगा जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको पे फी का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे क्लिक करके आपको फी पे करनी है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि पीजी मेरिट लिस्ट 1 के अंदर नेम आने के बाद आपको कौन से स्टेप कंप्लीट करने हैं और क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है, सब कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।